तो दोस्तों इंडिया में Redmi Note 7 और Note 7 Pro लॉन्च होने के बाद इंडिया में जो बजट सेगमेंट है ना उसको पूरा हिला के रख दिया है। इसका पता आप इससे लगा सकते हैं कि Asus ZenFone Max Pro M2 का प्राइस लगभग 6000 कम हो चुका है। लेकिन दोस्तों हम सबको ही मालूम है Redmi Note 7 और Note 7 Pro का प्राइसिंग को बीट करना किसी भी कंपनी के बस की बात नहीं है, और ऐसे में हर किसी को इंतजार है Redmi Note 8 और Redmi Note 8 Pro का। तो दोस्तों इस वीडियो में हम प्रेडिक्ट करने वाले हैं Redmi Note 8 Pro के कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में, क्या कुछ आपको देखने को मिल सकता है इस फोन में, क्या होने वाला इसका प्राइसिंग और कब तक ये फोन इंडिया में लॉन्च हो सकता है। तो चलिए दोस्तों बिना कोई टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें इसके डिजाइन के बारे में तो इस बार भी इस फोन में आपको ग्लास बैक देखने को मिलेगा जो कि ग्लॉसी ग्रेडियंट फिनिशिंग के साथ आएगा, जैसा कि हमें Redmi Note 7 और Note 7 Pro में भी देखने को मिला है। और दोस्तों इस बार आपको मिलने वाला है ट्रिपल रियर कैमरा जो कि मेन इंप्रूवमेंट होने वाली है। उसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे पीछे के साइड आपको कोई भी फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इस फोन में आने वाला है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। और अगर बात करें इसके डिस्प्ले के बारे में तो यहाँ पे आपको 6.3 इंच का फुल HD प्लस पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि एक सुपर एमुलेट पैनल होने वाला है। और दोस्तों यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलेगा। और अगर बात करें इसके प्रोसेसर के बारे में तो इस फोन में इस बार आने वाला है स्नैपड्रैगन 712 का प्रोसेसर, जैसे कि हमें मी 9 एसी में भी देखने को मिला है। उसके साथ ही यहाँ पे आपको एंड्रॉइड पाई का सपोर्ट मिलेगा MIUI 10 के साथ। और अगर बात करें इसके कैमरा के बारे में तो इस बार आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलेगा जिसका मेन सेंसर होने वाला है 48 मेगापिक्सल का जो कि सोनी IMX586 का सेंसर होने वाला है। उसके साथ ही यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको 12 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग सेंसर भी देखने को मिलेगा जैसा कि हमें MI 9 में भी देखने को मिला है। और अगर बात करें इसके फ्रंट कैमरा के बारे में तो यहाँ पे आपको 25 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलेगा जो कि आपको पंच होल डिस्प्ले के अंदर ही देखने को मिलेगा। और अगर बात करें इसके बैटरी के बारे में तो Redmi के Note सीरीज में हमेशा ही 4000 mAh की बैटरी देखने को मिला है, तो इस बार भी आपको Redmi Note 8 Pro में भी आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगा जो कि फास्ट चार्जिंग के साथ आएगा Qualcomm क्विक चार्ज 4K सपोर्ट के साथ। और दोस्तों यहाँ पे आपको टाइप सी पोर्ट भी देखने को मिलेगा। उसके साथ ही यहाँ पे आपको Redmi Note 7 Pro जैसा ही रैम वेरिएंट देखने को मिलेगा 664GB और 8/128GB। और अगर बात करें इसकी प्राइसिंग के बारे में तो Redmi Note 5 Pro, Redmi Note 6 Pro और Redmi Note 7 Pro आपको 14,000 से 15,000 के बीच में ही देखने को मिला है, तो ऐसे में Redmi Note 8 Pro भी आपको 14,000 से 15,000 के बीच में ही देखने को मिलेगा। और अगर बात करें इस फोन की लॉन्च डेट के बारे में तो दोस्तों इस फोन की लॉन्च डेट को भी बहुत टाइम है, ये फोन लॉन्च हो सकता है ईयर के एंड तक। तो दोस्तों ये फोन लॉन्च हो सकता है नवंबर दिसंबर महीने में। तो दोस्तों यही था Redmi Note 8 Pro का प्रेडिक्शन मेरी तरफ से। तो आपको क्या लगता है क्या कुछ आने वाला है Redmi Note 8 Pro में, आप जरूर कमेंट करके बता दीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।